नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है। हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की ओर से सितंबर के अंत में 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए कांग्रेस पार्टी ने कई सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। दरअसल दोस्तों, क्या है पूरा मामला हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उपचुनाव की तैयारी के लिए आदेश दिया गया था, जिसके बाद भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव से पहले बेहद तगड़ा झटका दिया है। दरअसल दोस्तों, दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से सियासी गुना भाग करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के सामने 1500 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। हम आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के गीदम और बचेली में प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और आगामी चुनाव के समीकरण के लिए कार्यकर्ताओं के मन को टटोला है। इस दौरान दंतेवाड़ा के अंदर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के समक्ष जमावड़ा सरपंच के जय कश्यप और पाढ़ापुर के सरपंच सुखाराम कुंजाम और कुल मिलाकर 20 से ज्यादा सरपंचों ने कांग्रेस पार्टी दामन थामा है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने इन सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है और इसकी शपथ भी खाई है कि कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा के उपचुनाव के अंदर भी काम करेंगे और आगे आने वाले दिन के अंदर छत्तीसगढ़ के जितने भी चुनाव होंगे सभी लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे। दरअसल दंतेवाड़ा के अंदर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में गठबंधन बनने की लगातार खबरें आ रही है। इस बीच जो एक ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने एनसीपी के साथ सीटों का बंटवारा लगभग तय कर लिया है, वहीं पर दूसरी ओर महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच में लगातार तनातनी जारी है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ओर से 50-50 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बाद में बीजेपी अपने बयान से पलटती हुई दिखाई दे रही है और शिवसेना से 180 सीटें मांग रही है और शिवसेना को केवल 108 सीटें देने के पक्ष में है। वहीं पर दूसरी ओर शिवसेना ने 165 सीटों पर दावा कर दिया है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में महाराष्ट्र में आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे पहले शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े भाई के रूप में महाराष्ट्र में कार्य करते हुए दिखाई दे रही थी और ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना के बीच में घमासान मचना पूरी तरह से लाजमी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना किस तरह से गठबंधन बना पाती है, इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर पूरी जानकारी देंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है जहां पर प्रियंका गांधी ने रायबरेली के अंदर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार देश के अंदर कंपनी का राज लाना चाहती है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर कंपनी राज लागू करना चाहती है, जिसके जरिए देश के कारखानों और धन संपदा को गिन गिन कर उद्योगपतियों को सौंपा दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि अमेठी भी गई है प्रियंका गांधी, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सभी कार्यकर्ताओं ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कौन कौन सी गलती की है, जिसको सुधारने के लिए प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को कहा है और ये भी कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं को अपना संगठन मजबूत करना है, क्योंकि बीजेपी के पास पैसा है और हमारे पास कार्यकर्ता है। अपने कार्यकर्ताओं को और मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी की ओर से सभी नेताओं को भी मंत्र दिया गया है। एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है जहां पर दोस्तों साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की ओर से दिए गए बयान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी इस बयान का बचाव करते हुए दूर दूर तक दिखाई नहीं दे पा रही है। हम आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की ओर से जो बयान दिया गया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के बचाव में आने से हिचकिचा रही है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इससे पहले भी ऐसे बयान दे चुकी है जो भारतीय जनता पार्टी डिफेंड नहीं कर पाती है। और ऐसे में दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है जहां पर बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट लेते हैं जहां पर विधानसभा के अंदर अश्लील वीडियो देखने वाले भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका के नेता को डिप्टी सीएम बनाया गया है, जिसके बाद सभी ने खड़े किए हैं सवाल। भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेताओं ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब एक हफ्ते के इंतजार के बाद कर्नाटका के मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा हुआ है। इस बार मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के मंत्रिमंडल में 3 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिसमें बीजेपी का एक वह नेता है जो अश्लील वीडियो देखता हुआ कर्नाटका के विधानसभा में दिखाई दे रहा था। हम आपको बता दें कि इस वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के नेता लक्ष्मण सावदी नाम के विधायक है जिनको डिप्टी सीएम बनाया गया है और विधानसभा के अंदर अश्लील वीडियो देखने वाले व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाने के बाद जहां पर एक और कांग्रेस पार्टी ने जमकर निशाना साधा है, वहीं पर देश के
अंदर केंद्र की राजनीति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर शोषण के आरोप संबंधित वीडियो पोस्ट करने वाली कानून की पढ़ाई कर रही 23 साल की छात्रा शनिवार से गायब है। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के लॉ कॉलेज की एक छात्रा है, जिसने वीडियो में रो रोकर इल्जाम लगाया कि संत समाज के एक बहुत बड़े नेता है जिन्होंने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, अब उसकी हत्या करना चाहते हैं। इसके बाद लड़की गायब हो गई। हम आपको बता दें कि लड़की के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है और चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण का इल्जाम लगाया है। हालांकि पूर्व बीजेपी के सांसद स्वामी चिन्मयानंद ने अपने प्रवक्ताओं से आरोप को खारिज कराया है। एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है, जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी और बहुजन अघाड़ी पार्टी के बीच में गठबंधन बनने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। हम आपको बता दें कि प्रकाश आम्बेडकर की पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी को कहा गया है कि हम आपको 144 सीट देने को राजी हैं, अगर आप गठबंधन बनाना चाहते हैं तो 31 अगस्त से पहले हमको बता दीजिएगा। हम आपको बता दें कि इस तरह की लगातार कांग्रेस पार्टी और बहुजन अघाड़ी पार्टी के बीच में गठबंधन बनाने को लेकर चर्चाएं चल रही है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए इससे पहले राज ठाकरे ने भी कई सारे नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र के अंदर विपक्ष एक बार फिर से एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि पल पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत ये बड़ी खबर आ रही थी, जिससे हमने आपको रूबरू कराया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर RBI से पैसा लेने पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा, कहा ये गोली के घाव है और चोरी के बैंडेड लगाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देने का जो फैसला लिया है, उस पर राहुल गांधी की ओर से तंज कसा गया है। हम आपको बता दें कि RBI ने सोमवार को सरकार को 1,76,000 रुपए दिए हैं, जिसको लेकर अभी इस बात के संकेत दिखाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश के अंदर आर्थिक संकट और ज्यादा गहराता हुआ और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि क्या यह वित्तीय साझेदारी है या फिर वित्तीय आत्महत्या है। सुरजेवाला ने भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा है कि क्या इस पैसे का इस्तेमाल भाजपा पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए करेगी। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि क्या महज इत्तेफाक है कि RBI से ली गई 1.76 लाख करोड़ रुपए की राशि बजट आवंटन के दौरान गायब राशि थी, और कहीं ना कहीं इशारों में कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ा निशाना साधा गया है। एक और बड़ी खबर है, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं केरल के वायनाड, जहां पर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी ने कहा है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी वायनाड पहुंचे हैं, जहां पर राहुल गांधी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द उनके क्षेत्र के सभी लोगों को कम से कम राहत पहुंचाई जाए, और कई सारे उन्होंने मुद्दे भी उठाए हैं, चाहे ये फसल के लिए लिए गए लोन माफी का मुद्दा हो या फिर जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का और मनरेगा के 100 दिन के काम को 200 दिन करने का। राहुल गांधी ने सारा मामला राज्य सरकार के सामने और केंद्र सरकार के सामने उठाया है। हम आपको बता दें कि दक्षिण भारत की राजनीति में लगातार राहुल गांधी सक्रिय हैं, और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ भी दिखाई देता है। अगर आप भी पल पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी, जिससे हमने आपको रूबरू कराया है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की ओर से और प्रियंका गांधी की ओर से लगातार मोदी सरकार पर जमकर निशाने साधे जा रहे हैं। हमने आपको पहली बड़ी खबर में बताया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिली है और 1500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, वहीं पर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार सदमे में दिखाई दे रही है। अगर आप भी पल पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।